हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ये बैंड बनाने जा रहे हैं, राउंड और बकेट का बैंड है। तो पहले हम इसका रिंग साइज ले लेते हैं, US 7 के हिसाब से बनाएंगे। तो US 7 का रिंग आईडी है आपका 17.35 mm। ठीक है, अभी हम फ्रंट व्यू में चले जाते हैं। फ्रंट व्यू से मैं नीचे मेजरमेंट दे रहा हूँ 1.5, साइड में 1.8 एंड ऊपर में 2.1 दे रहा हूँ। ये जो मेरा बेसिक चीज़ है वो हो गया। अभी एक इलिप्स लेना है, इलिप्स लेके एक आउटर सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये दोनों सर्कल आ गए, इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ। अभी हम टॉप व्यू में चले जाते हैं, इसका इमेज देखते हैं एक बार। इसका देखोगे राउंड जो साइज का है ना, बकेट का चौड़ाई भी उतना साइज के है। तो मैं क्या करूँगा, राउंड अगर 2 mm लेता हूँ तो बकेट लूँगा मैं 3x2 mm, यानी 3x3 mm लेंथ एंड चौड़ाई 2 mm। तो चौड़ाई हमको राउंड और बकेट का सेम ही लेना है। तो मैं 3 mm और 3 mm का बकेट और 2 mm का एक राउंड ले लेता हूँ जेम लोडर से। ठीक है, अब इसका जेम प्रोफाइल कर्व ले लेते हैं, F6 क्लिक करके जेम प्रोफाइल कर्व। ठीक है, इसका आउटर कर्व आ गया। अभी मुझे एक एक करके क्वालिटी बनाना है, तो मैं पहले बकेट का क्वालिटी बना लेता हूँ। इसको बाहर 0.1 का ऑफसेट देते हैं और बाहर का कर्व से मैं ऑफसेट दे रहा हूँ 0.6, यानी टॉप से मैं थिकनेस रख रहा हूँ 0.6। ठीक है, अब इसको हाइट दे देते हैं, मैं 3 mm हाइट दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे गैलरी निकालना है, 0.8 प्लस 0.8 प्लस 0.8, यानी 2.4 तो लगेगा, तो मैं 3 mm एक्सट्रूड करके रखता हूँ। ठीक है, अभी हमें ऊपर का साइड में चैम्फर करना है, तो मैं चैम्फर देता हूँ 0.4। 0.6 का टॉप से लिया हुआ है तो 0.4 का चैम्फर देते हैं। ठीक है, सेंटर में एक पॉइंट डाल देते हैं। ठीक है, अभी मैं बकेट लेके आ जाता हूँ, बकेट को 0.1 ऊपर मूव करता हूँ, तो ये कॉलेट बन गया मेरा, बकेट का कॉलेट बन गया। अभी मुझे राउंड वाला कॉलेट बनाना है। ठीक है, तो इसका भी मैं कार्ब को बकेट में जैसा किया, बाहर 0.1 का ऑफसेट, फिर अंदर मैं बाहर का कार्ब से 0.6 का ऑफसेट देता हूँ और उसको एक्सट्रूड कर देता हूँ 3 mm। सेम जैसे चैम्फर करना है, 0.4 का चैम्फर। ठीक है, तो इसका भी कॉलेट बन गया। ठीक है, इसका सेंटर में पॉइंट देना रह गया, तो एक पॉइंट दे देता हूँ। ठीक है, तो ये ग्रुप कर देता हूँ। अभी मैं बकेट पार्ट को नीचे मूव करता हूँ। ठीक है, लो डायमंड टू डायमंड गैप हमें 0.15 से 0.2 तक रखना है। ठीक है, अभी इसको मैं मूव करता हूँ सेंटर में, जैसे सेंटर से ऊपर हाफ जितना रहेगा नीचे का हाफ भी उतना रहेगा। देखो मेरा जो गम्बेल ऑन किया है, मेरा देखो रेड वाला एरो सेंटर के लाइन के हिसाब से ही है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं प्रोंग डालता हूँ, इसको ग्रुप कर लिया, एक सर्किट डाल देता हूँ, 0.8 का सर्किट डालता हूँ। ठीक है, तो यानी मैं 0.8 का प्रोंग बनाऊँगा। ठीक है, लॉकिंग रखना है हमें, 0.1 का लॉकिंग रखना है। अभी इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, नीचे के साइड में एक्सट्रूड करता हूँ, करके मैं 1D स्केल कर देता हूँ। नीचे का एज सिलेक्ट करके एंड या क्वाड सिलेक्ट करके फिर ऊपर के साइड में 1D स्केल कर दिया। ठीक है, अभी ऊपर का साइड मुझे फिलेट करना है प्रॉन्ग का, तो मैं 0.3 का फिलेट दे देता हूँ, तो ये फिलेट हो गया। ठीक है, तो अभी प्रॉन्ग को हमें मिरर कर देना है। ठीक है, तो ये साइड में आ गया। अभी हमें कॉलेट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक मिरर करके कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ऑल्टरनेट है तो इसको कॉपी करके इसलिए कॉपी किया क्योंकि ताकि प्रॉन्ग का पोजीशन हम देख सके कि एंड में प्रॉन्ग कैसे डालना है। ठीक है, दोनों साइड में लॉकिंग रखना है, तो ये प्रॉन्ग को मैं थोड़ा सा स्केल करके बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉन्ग का लॉकिंग हो गया, इसको मिरर कर दिया। नीचे के साइड में मिरर ऐसा नहीं होगा, तो एक ही साइड में मिरर करते हैं। ठीक है, फिर हम कॉपी कर देंगे। एक बार इसको मिरर करके देख लेते हैं कहाँ पे बैठेगा पोजीशन। जो पोजीशन पे ये पार्ट है बैठेगा, वैसे ही सेम पोजीशन पे बैठेगा।
ठीक है, तो ऐसा बैठेगा, तो हमें उतना करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा बैठेगा। तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये भी डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं ऊपर मूव करता हूँ, ठीक है, आईडी लेके आ जाते हैं, उसको मैं ऊपर मूव करता हूँ। तो अभी मैं आईडी से 0.8 का एक ऑफसेट, नीचे का जो मेटल रखना है, फिर 0.8 का गैप गैलरी, फिर 0.8 का ऊपर का पार्ट रखना है, ठीक है। अभी उसके हिसाब से हमें ऊपर लेना है, तो इसको थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, 2.4 का हाइट हो गया, ठीक है। तो अभी मैं रिंग आईडी को एक्सट्रूड कर लेता हूँ बोथ साइड में, बोथ साइड में एक्सट्रूड करके बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा बुलियन डिफरेंस हो गया। अभी ये मैं दोनों कॉलेट को रिमूव फ्रॉम ग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है, ये अभी बुलियन स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो ये बीच का पार्ट हमें कट देना है, तो गैलरी निकल गया मेरा। अभी जो प्रोंग है, बीच का जो प्रोंग है, वो भी नीचे तक रखने का ज़रूरत नहीं, उसका भी मैं काट देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों कर्व, बीच का दो कर्व मैं फिर से एक्सट्रूड कर देता हूँ बोथ साइड में, एक्सट्रूड करके ये पहले अनग्रुप कर लेता हूँ, ये दोनों प्रोंग को बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा दो साइड में प्रोंग रहेगा, ये साइड में भी रहेगा, उल्टा साइड में भी रहेगा प्रोंग, ऑल्टरनेट जब भी कॉलेट आएगा, तो बीच में मेरा सपोर्ट का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मिरर किया, ठीक है, मिरर किया, तो एक पार्ट लॉक किया, एक पार्ट को फ्रंट व्यू से मैं रोटेट करता हूँ, एक वायर फ्रेम कर लेते हैं ताकि डायमंड टू डायमंड गैप समझे, ठीक है। एक बार 3D व्यू में देख लेता हूँ, और थोड़ा मूव करना पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ा मैं रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये रोटेट हो गया। अभी क्या करना है, ये पार्ट को मैं मिरर कर लेता हूँ, ठीक है। तो प्रोंग देखोगे ना, ये जो साइड का प्रोंग देख रहा है, तो ज़्यादा एंगल दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये प्रोंग को मैं थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, ये प्रोंग को मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ एयर फ्रेम करके, इसका पॉइंट्स ऑन पॉइंट्स दिया हुआ है प्रोंग का, तो मैं सेंटर से इसको सीधा कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो ये सीधा हो गया, और थोड़ा मैं रोटेट कर देता हूँ, नहीं तो क्या दिखता था, एक साइड ज़्यादा टेपर दिखता था, एक साइड प्रोंग सीधा दिखता था। तो ये मैंने रोटेट कर दिया, अभी ये प्रोंग को डिलीट कर देता हूँ, तो इसको मैं फ्रंट व्यू से मिरर कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी नीचे का बेस मेरा देखोगे ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको स्ट्रेच करके थोड़ा थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ, तो स्ट्रेच कमांड लेके प्रोंग को थोड़ा एक्स्ट्रा लेके फिर आईडी से काट देंगे। तो स्ट्रेच कमांड लेके ये नियर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके एंड से थोड़ा इसको स्केल करके लंबा कर दिया। अभी इसको बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ आईडी से, ठीक है, हो गया। अभी प्रोंग को मैं मिरर करता हूँ राउंड का दूसरा साइड में, ठीक है। तो मेरा ये सेकेंड वाला जो कॉलेट है वो मेरा प्रॉपर बन गया, ठीक है। तो ये पार्ट को ग्रुप कर लेता हूँ, ग्रुप करके इसको फर्स्ट वाला क्वालिटी हमें डिलीट करना है, ठीक है। तो इसको पहले मिरर रोटेट कर लेता हूँ, ये कोई भी एंड पकड़ लो सेंटर का, कॉपी यस करना है, ठीक है। तो ये रोटेट कर लिया, ठीक है, अभी सिर्फ रोटेट किया, अभी हमें इसको मिरर भी करना है, और जो लॉक किया है वो मुझे डिलीट करना है, ठीक है। तो इसको मैं मिरर कर लिया, अभी जो लॉक किया है वो डिलीट कर देता हूँ अनलॉक करके, ठीक है। तो ये मेरा परफेक्ट बैठ गया, ठीक है। अब इसको हमें फ्रंट व्यू से मिरर करते जाना है, ठीक है। फिर ये दो सिलेक्ट करते हैं, दो सिलेक्ट करके मिरर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने मिरर कर दिया, एक बार 3D व्यू में देख लेते हैं बराबर है कि नहीं, ऑल्टरनेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये अभी क्या करना है, उल्टा साइड में अपोजिट डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट साइड का पार्ट पूरा सिलेक्ट करके हमें मिरर कर देना है।
यहाँ पे सिर्फ प्रॉन्ग रखना है, बाकी डिलीट करना है, हब तक ही हमें रखना है। ठीक है, तो इसको मैं मिरर कर देता हूँ, ये हो गया मिरर। तो ये मेरा टॉप पार्ट बन गया। ठीक है, अभी हमें इसका सैंग बनाना है, तो हम फ्रंट व्यू में चले जाते हैं, इसका सैंग बना लेते हैं। सैंग का 2D ड्रा कर लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से मुझे थोड़ा सा बाहर के साइड लेना है। ठीक है, अभी इसको एक बार रिबिल्ड कर लेते हैं, रिवील करके ये पॉइंट्स को मुझे थोड़ा सा मैं रोटेट कर लेता हूँ, यानी मैं बाहर के साइड में ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, अब इसको हमें एक्सट्रूड करना है। ठीक है, तो ये सैंग भी मेरा टेपर होगा, तो एक्सट्रूड कहाँ से होगा, जहाँ पे प्रोंग है ना जितना, वहाँ तक मेरा प्रोंग में टच होगा सैंग के ऊपर का पार्ट। तो मैंने 4 mm एक्सट्रूड किया, अब इसको ऑफसेट दे देते हैं, ऑफसेट सरफेस कर देते हैं, तो ये सॉलिड बन गया। अभी मैं रिंग आईडी से इसको बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये सैंग को मिरर करते हैं, मिरर करके अभी हम राइट व्यू में चले जाते हैं। राइट व्यू में जाके केज एडिट लेना है हमें, केज एडिट का 2 पॉइंट्स लेना है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको बुलियन स्प्लिट कर लेता हूँ, जो ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट है वो डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी राइट व्यू में जाते हैं, राइट व्यू में मैं केज एडिट लेता हूँ, इमेज देख लेता हूँ, टेपर है तो केज एडिट लेना है, केज एडिट में मेरा 2 पॉइंट्स लेना है। तो नीचे का पार्ट थोड़ा टेपर करता हूँ, ऊपर के पार्ट को भी थोड़ा बाहर की तरफ लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सैंग भी बन गया। ठीक है, तो ये राउंड बकेट का मेरा बैंड रेडी हो गया। ठीक है, इसका कार्ब मैं डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।